Close your eyes gently. अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर लाएं. Breathe in. Breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. हर नई अंदर आती हुई श्वास के साथ भाव करें कि आपने जहां जहां खुद को छोड़ा है, किचन का कोई काम करते हुए वहां, किसी से फोन पे बात करते हुए वहां, कोई ड्रीम आया था वहां, तो जहां जहां पर जो ख्याल जो थॉट्स में अपने आप को छोड़ा है, सब जगह से अपने आप को खींचते हुए यही इसे मोमेंट में ले आए. This is what we call as centering ourselves. फिर से एक बार breathe in and breathe out. सामान्य आती जाती सांसों को देखिए. पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर. अपनी श्वासों पर ध्यान ही परमात्मा का ध्यान है. जब हम मरते हैं, श्वासें छूट जाती हैं, मतलब परमात्मा बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं और वो डेड बॉडी में प्राण नहीं है, गॉडलीनेस नहीं है. तो हमारी श्वास ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि डिवाइन, गॉड, गॉडलीनेस सब हमारे अंदर ही है. तो इतने प्यार से ब्रीदिंग को देखें और ब्रीद इन ब्रीद आउट करें. जैसे कितने प्यार से एक छोटे बच्चे के साथ टाइम व्यतीत करते हैं, एक हंसते हुए बच्चे को देखते हुए खिल जाते हैं, वैसे ही अपनी श्वासों के साथ इतने प्यार में आ जाएं. और अपने हायर सेल्फ का और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें. आज के इस सत्र में पूरी तरह से जुड़ने के लिए और जो भी डाउनलोडिंग, जो भी ज्ञान यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं, उसे अपने सबकॉन्शियस में उतारने के लिए.
और इतना ब्यूटीफुली हमें सेंटर करते हुए करने के लिए परमात्मा का शुक्रिया करते हुए बहुत प्यार से आंखें खोलेंगे, अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान बनाते हुए। वेलकम बैक। तो हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं पूरी साइकोंडा मिशन टीम और डॉक्टर उदेशा सर के बिहाफ पर। और फिर से हमारे नए टॉपिक स्टार्ट हुए हैं, एक रिट्रीट खत्म हुई है, फिर से हम सब पूरी एसकेएम सोल फैमिली में कुछ नई चीजें अब फिर से फ्लो होने वाली हैं, प्रवाहित होने वाली हैं, नया ज्ञान, नया सबकॉन्शियस में, नया डीप में, हार्ट में। तो ऐसे ही आज का टॉपिक है हमारा हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस, और बहुत सुंदर टॉपिक है। जब सर ने ये टॉपिक रिट्रीट में समझाया, क्योंकि हमें जस्ट आने के बाद क्लास लेनी थी, लेकिन आज जब मैंने टॉपिक को दोबारा सुना तो मुझे कुछ और ऐसी चीजें समझ में आई जो उस वक्त नहीं समझ में आई थी। जैसे एक बार में बहुत ऊंची चीजें, ऊंची बातें समझ नहीं आती, हम सुन तो लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस। तो अगर हम सोचे कि हमारे ये जो मोबाइल फोन्स है, तो आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी से हॉटस्पॉट लिया रहेगा, ठीक है, कनेक्शन लिया रहेगा। तो किस केस में हम लोग लेते हैं? जब भी हमारा इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो हम आसपास नजदीक के किसी पर्सन को बोलते हैं कि आप अपना हॉटस्पॉट कॉन्शियस कनेक्शन ऑन कर दीजिए, ताकि हम अपना मोबाइल डाटा, अपना जो नेटवर्क है वो ले पाए, ठीक है, आप ऑन कर दो ताकि हम अपना नेटवर्क ले पाए, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो ऐसे ही आप सोचिए कि रिट्रीट्स में ऐसा क्या होता है कि हम सडनली चैनलाइज होना शुरू हो जाते हैं, हमें पीएलआर में इतनी डीप चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, हमें मुने की राइट के अट्यूनमेंट मिलते हैं, तो इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शुरू हो जाते हैं, घर पर हमारे साथ ये सब क्यों नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि हमें हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस मिलती है, उस समय पर हमें क्या हो जाता है, हम लोगों को डायरेक्ट, चाहे वो सर के थ्रू मिलती है, गॉड और गुरु, बीच में गुरु एक जरूरी हमें चाहिए ही। क्यों चाहिए? कि डायरेक्ट अगर हम सोर्स की ऊर्जा लेंगे ना, तो वो ऊर्जा कई कई बार हमसे झेली नहीं जाती है। आपने देखा होगा कई लोग बहुत वाइब्रेट करते हैं, उनकी बॉडी उस ऊर्जा को उसके वॉल्यूम को ना मेजर नहीं कर पाती है कि हम कितना झेल सकते हैं। बट जो हमारे बीच में ये जो हायर सेल्फ, हम बोले हमारे गुरु, या जो टावर होता है, सैटेलाइट और हमारे बीच में जो टावर होता है गुरु के जैसे, वो उस ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं ताकि हमारे तक उतना ही पहुंचे जिसको हम झेल पाए, और उतना ही जितना हम देख पाने के लायक हो, क्योंकि हम सब लाइफ देख पाने के लायक नहीं है। अगर हमारी डिवाइन फ्रीक्वेंसी भी है, अगर हम बहुत गॉड से कनेक्टेड भी रहते हैं, तो हर गॉड का फ्रीक्वेंसी बहुत अलग अलग है, उनका ऊर्जा अलग अलग है। अगर हम बोलते हैं जैसे किसी को गॉड नरसिंह भगवान आते हैं, तो कितना हाई ऊर्जा है, कितना फ्योर्स ऊर्जा है, ठीक है। एक एक गॉड गॉडेसेस के जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कोई बहुत करुणामय फॉर्म है, जैसे शिव जी का ही बोले तो एक एकदम शांत शून्य स्वभाव है, एक रुद्र स्वभाव है। तो कब हम कितनी उस ऊर्जा मात्रा को ले सकते हैं, इसके लिए हमको हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस चाहिए, इसके लिए हमको रिट्रीट में आना होता है। आज जब हमारा सेशन आगे बढ़ेगा, तो हम अपने वो फ्रेंड्स जो शिरडी रिट्रीट में हमारे साथ अवेलेबल थे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके ऊपर जितने भी प्रोसेसेस अप्लाई किए गए, तो उनमें उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या फील हुआ। हो सकता है कि कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज ना भी फील किया हो, मतलब एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि सडनली कोई मैजिक हो जाए, लेकिन जो चीजें घर में नहीं हो सकती, वहां पे क्यों हो पाई, वहां पे हम उस क्लैरिटी से अपने ब्लॉकेज को क्लियर क्यों कर पाए। हो सकता है हमें कुछ समझ नहीं आए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सोल का हॉस्पिटल होता है रिट्रीट के जैसे, जहाँ पे हमें वो डिवाइन का कॉन्शियसनेस का फ्रेगमेंट मिल गया है ये हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस के थ्रू, ठीक है।
अगर आपने देखा हो, अगर हम इसको कैसे बोलते हैं, जैसे कई बार आपने सोचा होगा, मैं डायरेक्ट सर का एग्जांपल लेती हूँ कि वो इतने सारे काम कैसे करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई उनके जैसे तार या सैटेलाइट कोई बन सकते हैं गुरु के जैसे, तो वो अपनी कॉन्शियसनेस सब लोगों में बांट सकते हैं। तो सारा काम एक ही पर्सन को करने की जरूरत नहीं होता है, वो अपनी कॉन्शियसनेस बांट के भी और लोग भी उनके काम को कर सकते हैं। और जो भी फिर उस डिवाइन वर्क को करता है वो परमात्मा के ही काम का हिस्सेदार हो जाता है। आपने सुना होगा, हमने बहुत बार कहा है कि हम लोग धीरे धीरे गॉड के चैनल्स बन रहे हैं, गॉड को हैंड्स चाहिए। तो ये हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस हमें परमात्मा के गुरु के माध्यम से, गुरु जो कि टार के जैसे काम कर रहे हैं, और ऊपर सैटेलाइट से हमें डायरेक्ट कनेक्शन मिल रहा है, या सोर्स से हमें डायरेक्ट कनेक्शन मिल रहा है, उनके जैसे काम करते हैं। ठीक, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अब अगर हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि एक तो ये है कि हम रिट्रीट में किसी से हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस ले लेते हैं, अपने ऊपर PLR कराते हैं, अपने ऊपर सब थेरेपिस्ट कराते हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसे लेवल पे आ जाओ कि आप अपनी कॉन्शियसनेस भी दूसरे को दे पाओ। तो उसमें क्या होगा ना, आप अच्छे रिसीवर भी बन जाओगे। रिसीवर बनना मतलब मोबाइल, एक अच्छा मोबाइल क्या है, जो बड़ा अच्छा नेटवर्क कैच कर रहा है। तो हम अपना राहु खोलते हैं तो हम बोलते हैं ना अपना रिसीविंग खोलो, तो ये खुलता है और ये खुलता है, तो हम बोलते हैं रिसीविंग बहुत अच्छी हो रही है इनकी। तो अब या तो हम मोबाइल के जैसे अच्छे रिसीवर बन जाए, या किसी को ऐसा कोई ऐसा चाहता है कि अगर मुझे स्पिरिचुअली इतना ग्रो करना है, क्योंकि हम एक ही जगह पे इस फिजिकल बॉडी से हर किसी को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, बट हम अपनी कॉन्शियसनेस देकर वही काम, हम ये इंटेंशन डाल सकते हैं कि अगर आप लोग जैसे रिट्रीट में आते हैं, कोई अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के आता है, टेंशन में है उनका काम कैसे होगा, तो टेंशन में तो खैर अगर जिसकी कॉन्शियसनेस इतनी राइज कर गई कि अब वो दूसरे को दे सकता है तो टेंशन की बात ही नहीं है। वो राइज ही तब होगी जब वो टेंशन वरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिनकी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ गई है सैटेलाइट की जैसे, फिर वो अपना फ्रेगमेंट कॉन्शियसनेस का पीछे सब लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का काम जैसे सर ने एक हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड डिवाइन वर्क के सेशन आई थिंक आपने पहले देखे होंगे। तो हार्ड वर्क वो है जो हम ह्यूमन बीइंग को करना पड़ता है, जो हम कार्मिकली करते हैं। फिर एक स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है, फिर एक नो वर्क होता है जिसमें आप डिवाइनली अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ताकि अगर आपकी फिजिकल प्रेजेंस इस वक्त एक और बड़े डिवाइन वर्क के लिए कहीं और चाहिए, तो पीछे से आपके घर पे, आपके ऑफिस पे, सब जगह काम चलता रहे। बहुत लोग ऐसे आते हैं हमारे रिट्रीट्स में इतना मतलब जो अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को छोड़ के सिर्फ रिट्रीट के लिए छुट्टियां लेते हैं, और सब लोग इतने हैवी जॉब्स में हैं कि छुट्टियों का सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब उन्होंने तय किया कि उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, तो परमात्मा ने अपनी कॉन्शियसनेस उनको दे दी, जिसके थ्रू उनके पीछे भी उनका काम चलते रहता है। ठीक है, जब भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े गुरु होते हैं, सारे दिन में 1 घंटा भी वो अपने पब्लिक के सामने नहीं आते हैं, तो जब वो पब्लिक के पीछे होते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो अपनी कॉन्शियसनेस से वो सारा काम करवाते रहते हैं। जैसे हम रिट्रीट में भी बोलते हैं सबको, जब कोई अलग अलग रूम्स में लोगों के PLR चल रहे होते हैं, तो हम बहुत बार बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि सर की फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे हो, उनको वहां से भी सब चीजें पता चल रही हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस के थ्रू। जब हम बाबा जी केव्स गए थे, ठीक है, तो आई वाज वंडरिंग कि मतलब मैं इसलिए बहुत बार बोलती हूँ कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू गॉड, क्योंकि मैं हम जितना उनका मैजिक देखते जाते हैं उतना वंडर करते जाते हैं कि इतने एजड लोग गए थे, और इतना बारिश का अगस्त का मंथ था वो। हाँ, लेकिन एवरीबडी वॉज सेफ एंड प्रोटेक्टेड। इतना हमको ऊपर चढ़ाई करना था, वो पूरा जो जर्नी था वो एक इतना कॉन्शियसनेस का, प्रोटेक्शन का सब चीजें डाली हुई थी। ऐसे ही हमारी रिट्रीट्स में वो हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस के थ्रू वो प्रोटेक्शन, वो सब चीज डाली गई होती हैं। तो वो आपस में लोग चाहे कार्मिक कितना भी गहरा हो, लेकिन सब ईज में होता है। ठीक है,
तो अब अगर हम इसमें भी आगे बोले कि आपने अगर ऐसा देखा होगा आजकल एयरपोर्ट्स पे, ये वैसे ही है कि एयरपोर्ट्स पे आजकल ये नया चालू हुआ है कि एक पर्सन होता है ना, वो सिर्फ ऑर्डर्स लेने के लिए खड़े होते हैं। तो जो ऑर्डर होता है ना कि वो मैकडी से ही आना है, तो वो मेन सेंटर से ही आना है, लेकिन सिर्फ ऑर्डर लेने के लिए खड़े हैं। वैसे ही कॉन्शियसनेस के थ्रू यूनिवर्स को सिर्फ ऑर्डर देना है, इंटेंशन डालना है, हमारा वो काम डायरेक्ट सोर्स से हमारी फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस आपको समझ में आया। इस रिट्रीट में आप सोचिए ऐसे लोग भी आए जिनके जो अपने दो दो छोटे बच्चों को लेके आए, बट उनके लिए भी वो रिट्रीट उतनी ही ईज में गई। हमने हमारे शारदा आंटी हैं दुबई से, जब सबने उनको देखा, उनको आईज में भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो अकेली दुबई से ट्रेवल करके इंडिया आना, रिट्रीट तक आना, जब भी जब आपकी फिजिकल आईज भी आपका पूरा साथ नहीं दे रही हो, तो आप सोच सकते हो कि परमात्मा की जो कॉन्शियसनेस है, हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस है, उसका पावर कैसा होगा जिसमें हमारी फिजिकल कुछ इसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी वो दुबई में रह के मतलब उतना एज में भी हर चीज खुद से देख रही हैं। वहां पे जितना ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, जितनी चीजें दुबई में अभी भी सर जा रहे हैं 9th को, तो जितना सब कंडक्ट करना पड़ेगा वो सब देखती हैं, लेकिन कैसे कर पाती होंगी? क्यों? क्योंकि उनको वो हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस मिल रहा है। और इस बात से सबसे गहरी बात जो हमें समझ में आती है, दैट वी आर नथिंग विदाउट दैट सोर्स, विदाउट दैट गुरु। क्योंकि हम चाहे वहां पे बैठ के, मैं चाहे यहाँ पे बैठ के आपको जितने भी शब्द बोल रही हूँ, हमारी वो कॉन्शियसनेस के थ्रू ही हम लोग वो बोल पाते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि यहाँ चाहे कोई भी स्पीकर बैठे हो, आप में से भी कोई भी बैठा हो, वो ऐसे ही टॉक लेने वाले हैं। ठीक है, जिसका कनेक्शन जितना गहरा होता जाएगा वो वैसे ही टॉक लेते जाएगा। ठीक है, ये बात अभी सबको समझ में आई। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक मैंने ये हॉटस्पॉट कनेक्शन और कॉन्शियसनेस के बारे में सब शेयर किया आपसे। अभी हम अपने एक्सपीरियंसेस ले लेते हैं, एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो भी लास्ट शेडी रिट्रीट के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो यहाँ पे जूम पर रिएक्शंस का एक आइकन बना हुआ है, तो वहां पे अपना हैंड रेस का ऑप्शन है, तो हैंड रेस कर दे। यस दिवाकर जी, मेरा यहाँ थोड़ा कैमरा हिल डुल रहा है। जी दिवाकर जी अनम्यूट करें। यस मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है दिवाकर जी, नहीं आ रही है, अनम्यूटेड तो है बट आवाज नहीं आ रही है। ठीक आ रही है, चलिए अभी हम 2 मिनट बाद और ट्राई करते हैं। एक दूसरा आप अगर हेडसेट हटा के, अच्छा हेडसेट के बिना ही बात कर रहे हैं अभी भी नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। अभी हम दूसरा एक नंबर आ रहा है सैमसंग SMG9960, उनको ले लेते हैं, अनम्यूट कीजिए। यस अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो जी सरिता आंटी जी, नमस्ते। हाँ जी, जी मैं हूँ। अभी नमस्ते। आपने कहा ना, वाकई में हॉटपॉट तो सर का ही है। मुझे वाकई में हाँ समझ में नहीं आ रहा सब काम कैसे हो रहे हैं। वो हाँ कहते हैं ना, करते हैं प्रभु आप जी, नाम मेरा हो रहा है, कर सब परफेक्ट। रहे हैं। जब पहले सर हाँ ने कहा मैं अकेला आ रहा हूँ, मैंने कहा सर का कुछ ना कुछ इसमें तो राज होगा, कोई मिरेकल होगा। हाँ हाँ, फिर हाँ उसके बाद सर ने कहा वो आ रहे हैं कि सुनील सर। हाँ, तो उस सुनील आ रहे हैं, सुनील सर आ रहे हैं। हाँ
ओके उसके बाद फिर अभी कहा कि अवनी जी आ अवनी रही आ है रहे ना, हैं। हाँ तो हाँ मैंने हाँ कहा मैंने एकदम से कहा सर, मैंने पहले ही कहा था मेहुल, मैंने कहा ना सर का कुछ ना कुछ चल रहा है, मुझे नहीं पता है। हाँ क्योंकि हाँ उनको पता है ना, सर को पता है ना मुझे क्या तकलीफ है, हाँ तो उसके हाँ बावजूद भी इतनी हेल्प। तो और यहाँ भी अभी दो जने और हेल्प करने के लिए मिल गए हैं मुझे, अरे वाह, एक पूजा जी मिली है, एक का नाम ही है साई करुणा चंद्रा। हाँ हाँ तो अरे वाह, वो भी आगे आ गई है हेल्प करने के लिए। तो सर अपना काम खुद करते हैं, खाली हम लोग हमें हैंडल बना रखा है उन्होंने, सच्ची बात तो ये है बस। तो ब्यूटीफुल। थैंक और ये बात यू। एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि वहां एक इंटेंशन डला हुआ कैसे हम सबको हेल्प कर रहा है। तो इसमें एक इतनी अच्छी बात ये भी है कि हमें अपनी किसी भी लिमिटेशन को कमी ना मानते हुए बस लगे रहना चाहिए, जो गॉड करा रहे हैं हम करते चलते हैं, ऐसा है ना। सच्ची। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू आंटी जी। और सबसे बड़ी बात ये क्लब में जो हमारा सेमिनार हो रहा है, हाँ हाँ ये मेरा मैनिफेस्टेशन 4 साल पहले से था और अरे वाह, अरे अब फलीभूत हो रहा है। तो आई एम सो वाह हैप्पी, सो एक्साइटेड। जी। और मैं सबको फिर से, अगर किसी को नहीं पता हो, हमारा दुबई में ऑफलाइन नहीं, सॉरी, नॉन रेजिडेंशियल रिट्रीट है 9 से 13 तारीख तक। तो कोई भी हमारे अगर दुबई के पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं ये रिट्रीट। ओके आंटी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिवाकर जी, एक बार हम फिर ट्राई करते हैं। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा नमस्कार, अभी आ रही है, परफेक्ट। ठीक है। ओम साई राम। मैंने ओम सर को साई राम इनवोक किया कि मेरी आवाज आ जाए। जी, पर हाँ तो हाँ जी एक्सपीरियंस तो हर रिट्रीट का बहुत ही जबरदस्त रहता है। जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये मेरी 6th शेड्यूल रिट्रीट थी और करीब 20 रिट्रीट मेरी हो चुकी हैं हाँ 3 साल के अंदर। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और जो लोग रिट्रीट नहीं आए उनको मैं यही बोलूँगा कि एक्सपीरियंस सुन करके आप ऐसा ही समझ सकते हैं जैसे कि आपने कोई कंट्री नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिंगापुर नहीं घूमा है और कोई आपको सही सिंगापुर के बारे में बता रहा है कि वहाँ कैसा है, बात। कैसा हाँ एक्सपीरियंस रहा, तो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल होता है। जब तक कि आप रिट्रीट में खुद नहीं आएंगे आपको वो अनुभव नहीं हो सकता, कितना भी हम शब्दों में प्रयास करें बताने का। और वो पहली बात तो सिंगापुर का एक्सपीरियंस बताना फिर भी काफ़ी आसान है, हाँ क्योंकि वहाँ पे आप फिजिकल लेवल पे एक्सपीरियंस करते हो, यहाँ पे तो आप सोल लेवल पे एक्सपीरियंस करते हो, तो वो बताना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। फिर भी साधारण शब्दों में मैं बताऊं कि जब मैं पहली रिट्रीट में गया था तो मेरे दिमाग में बहुत उलझने रहती थी, बहुत शांत नहीं रहता था मेरा मन, और मेरा बहुत हजारों लाखों थॉट्स एक ही साथ चलती रहती थी। किसी से बात कर रहे हैं लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। ध्यान और मेडिटेशन में भी मन नहीं लगता था। और बहुत सारे चैलेंजेस थे। 20 से ज्यादा मैं दवाइयां खाता था उस टाइम पे। अभी सारी दवाइयां मेरी बंद हो गई हैं बहुत समय से। कोई दवाई नहीं खाता। 20-25 किलो मैंने वजन कम किया अपना, जो कि पहले बहुत ज्यादा था, 100 किलो के ऊपर मैं चला गया था। और सिर्फ 5-10% ही फिजिकल लेवल पे लोगों को मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नजर आता है, लेकिन 90% फिर भी आप लोगों को अभी नहीं नजर आएगा जो नहीं ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ करेंटली हो रहा है, जो कि रहा। रिट्रीट्स में होता है। मुझे भी नहीं पता चलता, वो तो मेरे ख्याल से सर को ही उतना पता चलेगा कि पता हमारा चलता एक्चुअल है। हाँ ट्रांसफॉर्मेशन लेवल क्या हो रहा है। तो बहुत सब लोग बहुत शिद्दत से, पूरी SKM टीम, सर लोग बहुत ही कंपैशनेटली, अनकंडीशनली आपके ऊपर काम करते हैं, माइंड बॉडी और सोल लेवल पे। तो
मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप अपने को कोई भी दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, तो वो आप कोई अपने आप को एस्केम रिट्रीट का पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, जो कि मैं बहुत अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ। काफी रिस्पॉन्सिबल मेरा रोल है। आज भी मैं बाकी मीटिंग्स को कैंसिल करके यहाँ अटेंड कर रहा हूँ अभी। लेकिन दिवाकर जी, हम जानना चाहेंगे कि आप सबको अपना थोड़ा जॉब का शेड्यूलिंग और ये बताएं, इसलिए नहीं कि अपने बारे में कुछ बताना है, सिर्फ इसलिए कि ताकि हम जी छोटी-छोटी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके ऐसे नहीं बोलें कि भाई हम इस वजह से नहीं आ रहे, उस वजह से नहीं आ हाँ रहे, तो लोगों को पता चले कि आपके वर्किंग आवर्स क्या है, आपके नीचे कितने जी लोग काम करते हैं जिनको छोड़ के आप आते हैं। जी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, जिसमें कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसका नाम गूगल है, और इसके हेड ऑफिस में हूँ। मैं रीजनल हेड हूँ, कुछ कंट्रीज मेरे अंडर में हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे अंडर में काफ़ी सारे मैनेजर्स हैं और काफ़ी सारे लोग हैं मेरी टीम में, 1000+। मल्टीपल टाइम जोन में काम करता हूँ। मेरे बॉस सिंगापुर में हैं, उनके बॉस लंदन में हैं, उनके बॉस US में हैं। तो मेरा बैक टू बैक मॉर्निंग से लेके रात तक मीटिंग्स होती हैं। फिर भी मैं करुणा हीलिंग और साइकिक सर्जरी के लिए रोज टाइम निकालता हूँ, और बाकी भी जो चीज़ें मैंने सीखी हैं स्कैम से बॉडी लेवल पे काम करने के लिए, उसके लिए टाइम निकालने का प्रयास करता हूँ। और जब भी इन बिटवीन टाइम मिलता है, चाहे मैं कहीं भी हूँ, तो एक पॉज लेकर के जरूर रिफ्लेक्ट करता हूँ कि मेरा दिन कैसा जा रहा है, मेरा सोल प्रोग्रेस कैसा हो रहा है। और एक चीज मैं और बोलूंगा कि एसकेएम से जुड़ने से पहले मैं जो काम 16 घंटे में करता था, वो काम मेरा अब 6 घंटे में हो जाता है, और उससे काफी बेहतर होता है। जो काम के रिजल्ट्स नहीं मिलते थे 16 घंटे काम करके भी, वो अब 4 से 6 घंटे में वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं। थैंक यू। वाह, थैंक यू सो मच। मैंने खुद भी आई थिंक हमारे थ्रू वो डिवाइन कॉन्शियसनेस से ने आपके से ये क्वेश्चन पुट अप किया, और मुझे भी अभी डिटेल में अभी जानने को मिला। तो आप सोच सकते हैं कि उनका जॉब कैसे है, कितने बिजी रहते होंगे, फिर भी मोर देन 20 रिट्रीट्स, और हम लोगों ने दिवाकर जी के साथ उनकी पूरी फैमिली के साथ इतनी रिट्रीट अटेंड की हैं, और क्योंकि साथ में चल रहे हैं तो ये कॉन्शियसनेस कैसे अपलिफ्ट हो रही है। आई थिंक उन्होंने भी हमको देखा है, जब पहली बार मिले थे तो हम कैसे बात करते थे, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स और 2 इयर्स हमने कैसे ग्रो किया है। हमने उनको भी देखा है कि जब वो आए थे तब से अब में कितना कैसा वाला एक इंटरनल चेंज है। और आपने ये सुना होगा बहुत सारी जगह कि जितने भी डिवाइन चीजें होती है ना, सब रिलैक्सेशन में होती हैं। कोई सिम्फनी उतरती है, रिलैक्सेशन में उतरती है, कोई ब्यूटीफुल आइडिया उतरता है तो रिलैक्सेशन में उतरता है। तो ये जो उन्होंने बोला कि 16 घंटे का 4-6 घंटे होना, ये इस बात का रिजल्ट है कि हम लोग जितना ज्यादा रिलैक्स रह रहे हैं कैसे टाइम को सेव कर सकते हैं। थैंक यू दिवाकर जी, आई एम फीलिंग वेरी नाइस टू हियर दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच सबके बिहाफ पर जी। तो अभी आप ये समझ सकते हैं कि जो काम होता है कितना डीप होता है। हम लोग इतने इतने लाइफ के अपने ये जो कार्मिक की वजह से हलचलें मची हुई हैं अंदर, फिजिकल बॉडी काम नहीं कर रही है, थॉट काम नहीं कर रही है। आप सोचो कोई गॉड नहीं बन रहा है यहाँ, कोई सन्यासी नहीं बन रहा है, बट उसी मटेरियल वर्ल्ड में रह के इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए सब लगे हुए हैं। अभी सर का हाल फिलहाल भी गूगल में टॉक था, तब एवरीबॉडी वाज रिक्वेस्टिंग दिवाकर जी टू टेक द टॉक, पर उन्होंने बोला कि सर ही प्रेजेंट है उस दिन पे, तो क्यों ना सर से ही लिवाया जाए कि वो बेस्ट हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ग्रोथ का लेवल क्या है। एंड आई विल रिक्वेस्ट आर मोर फ्रेंड्स फ्रॉम द शेडी रिट्रीट, इफ वॉन्ट टू एक्सपीरियंस देयर PLR और मुनि की राइट एक्सपीरियंस, या जब सर का अट्यूनमेंट उन्हें मिला तब कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो, तो
तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं या तो हमको चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं अपना इस बार का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो इस बार मैंने आई थिंक साइलेंट मेडिटेशन ज्यादा किया और कुछ पीएलआर मेरे थ्रू डिवाइन ने कंडक्ट करवाए, तो और जितनी भी चीजें हमने कंडक्ट की वो इतना सेटिस्फेक्शन था कि जो भी कर रहे हैं, पहली बात तो इतना ब्यूटीफुल हम बोल कैसे रहे हैं, ये जो सेशन में आज ले रही हूँ, मुझे तब वहां पे पीएलआर लेते हुए क्लैरिटी नहीं थी कि ये हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस के थ्रू हम इतना ब्यूटीफुल ले पाते हैं। तो अचानक से हम ऐसे फ्लो में खो जाते हैं कि इतनी सुंदर सुंदर बातें बोलना चालू कर देते हैं। और जब मैंने एक हमारे पार्टिसिपेंट है पूनम जी, तो उनका पीएलआर किया, तो जो सारी बातें साई बाबा ने शायद मुझसे बुलवा दी, जब हमने रात को सर का टॉक अटेंड किया तो उनके थ्रू वही बातें बोली जा रही थी। तो मैंने बोला ये कैसे हुआ। आज मुझे जब ये सेशन लिया जा रहा है तो समझ में आया कि साईं बाबा अब मतलब हमें वो कॉन्शियसनेस देकर सेम चीज बुलवाई जा रही थी, अगर वो पार्टिसिपेंट को नीड है उन बातों की। ओके, तो इज देयर एनी पार्टिसिपेंट अवेलेबल हु वॉन्ट टू share their experience from the shady retreat right now? अगर नहीं भी है तो चलेगा, हम लोग एक छोटा Gloria ji, if you can share, we will unmute you. और Gauri ji, हमारे ग्लोरिया ही हैं जो अपने दो छोटे बच्चों को लेके आए हुए थे, और ये दोनों बच्चे जब उनके हुए, तो जब उनका फर्स्ट बेबी से वो प्रेग्नेंट थी, तो उनके ऊपर हम तो उन्होंने पहला अट्यूनमेंट सर से लॉकडाउन में लिया था, और उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे बेबी के टाइम में 3 वूम रिग्रेशन लिए, और फर्स्ट बेबी के टाइम में भी उन्होंने रिग्रेशन लिया। जी ग्लोरिया जी, आप यस Hi. Hello. You can hear me? Yes, I can hear you, but I cannot see you. अच्छा, मेरा वीडियो ऑन है मगर मैडम। आपका वीडियो ऑन है, एक मिनट में ऐड स्पॉटलाइट कर देती हूँ। Yes, Gloria. Now we can see you. Yes. नमस्ते मैडम, how are you? नमस्ते जी, fine. Okay, मैंने पहले दिवाकर जी का सुना। And I was like, now I'm charged up. I should go and say. And somehow you also muted me. मैं कितने retreat करूँ? Yes. So this is just my third big retreat. But I have done some 5, and I never speak in any of my experience sharing. और दिवाकर जी हर experience sharing में हमेशा first आते हैं. So like madam said, you know, कि मैंने so my first baby was said that I am associated to SKM for 3 years now, and this is my 5th retreat, though 3 of them were actually major retreats and 2 were some mini retreats. So Shirdi mein mera ye first time experience tha, and basically in the retreat, I will say I learned a lot of things jo I had forgotten to appreciate over a period of time, because I have been doing single parenting because my partner doesn't generally stay with us. So I have been doing the child care part for quite a long time now. For 2.5 years now, I'm doing it alone. And there are a lot of these things jo probably I knew somewhere or somewhere in the past I have heard, but I had stopped appreciating the whole topics of, you know, that the consciously unconscious. There were certain topics which basically came and talk about your strengths. कि आप अनकॉन्शियसली कुछ चीजों को जानते हो, कॉन्शियसली कुछ चीजों को जानते हो, कहीं कहीं पे तुम अपने को ग्रूम करना होता है, थिंग्स लाइक दैट. तो दैट वाज वन थिंग व्हिच रियली हिट मी अ लॉट, कि हर चीज के लिए आई डोंट नीड टू गो एंड डू अ परफेक्शन इन एवरीथिंग. देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स व्हिच आई नीड टू बी परफेक्टेड, एंड लाइक 80% 80-20 प्रिंसिपल काइंड. 80% ऑफ माय वर्क विल बी डन इफ आई एम प्रोफिशिएंट इन 20% ऑफ द थिंग्स ओनली. But it has all these years, in the last 3-4 years, it has actually been 80% pe upar invest karo and tumko 20% progress bhi nahi mil raha hai. And there's very minimal growth that you are seeing in your own self as well. So for me,
एंड आई रेगुलरली अटेंड द इवनिंग सेशन. इट्स लाइक आई नेवर नेवर मिस देम अनलेस देयर समथिंग गॉन टेरिबली रॉन्ग. तो आई विल स्ट्रांगली वोट फॉर समवन कमिंग डाउन टू अ रिट्रीट, बिकॉज जो वहां पे अनडिस्टर्ब्ड माइंड में सुनने को मिलता है, दो आई हैड बोथ ऑफ माय किड्स इन द सेशन एज वेल, वहां पे फ्लो में आई थिंक देयर इज समथिंग ग्रेट अबाउट द प्लेस और द वाइब दैट वी गो इन, एंड दैट अनडिस्टर्ब्ड फ्लो ऑफ सम 15-20 पीपल अराउंड यू, एंड एवरीबडी व्हेन वी डू द रीकैप सेशंस एज वेल कम्स एंड सेज अ पर्सपेक्टिव व्हिच यू हैड मिस्ड इवन थ्रू द इंस्ट्रक्टर इन द रूम. तो वो चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फेल्ट एज वेल, एंड दैट रीकैप एंड पॉज and then looking at a situation from different perspectives and trying to also trying not to be a perfectionist every time is also important is what I learnt strongly in this मैं ये बात सबको बोलना चाहती हूँ कि ग्लोरिया 3 साल से SKM में है और इनके बच्चों की एज भी उतनी ही है. मतलब जब ये आई थी तो थर्ड मंथ प्रेगनेंट थी अपने फर्स्ट बेबी से, तो उसमें भी उन्होंने 5 रिट्रीट किया. सोचिए तभी लोग जब हम बोलते हैं ना हमारा बच्चा छोटा है हम नहीं आ सकते हैं, उसमें भी 5 रिट्रीट कर लिया है और कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस है और जॉब भी है और उसके बाद भी विदाउट हेल्प भी विदाउट होम हेल्प इनको पास मेड नहीं थे तो भी सब मैनेज किया. तो अगर हम चाहते हैं सच में अगर ग्रो करना अगर अपने जीवन में प्यार शांति लाना तो हम ला सकते हैं. उसके लिए हमारे पास कोई एक्सक्यूजेस है नहीं. ऐसे एग्जाम्पल आज सेट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे सब पार्टिसिपेंट हमारे शेयर कर रहे हैं ब्यूटीफुल डीप चीजें. और पीएलआर का और उसका एक्सपीरियंस कुछ इस बार का. हाँ, सो बेसिकली आई सॉ थिंग्स इन माय प्रेजेंट लाइफ, आई कुड नॉट गो मच इन द पास्ट, बट आई हैड समथिंग विद माय सन व्हेन ही डजंट स्पीक. सो व्हाइल आई हैड अ मास हीलिंग ऑलरेडी विद द टीम, एज इन ही स्पीक्स बट ही कैनॉट स्पीक फुल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस व्हिच इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ 2-year 5-month-old. But it is a little slower than the age. So I did receive mass healing for that. But in one of the PLRs that I did, I saw 2 lives where I saw the baby twice over. And in one case, the baby was on the streets in a tunnel, orphaned on a roadside kind. Whereas in the other one, I saw that it's a very affluent place. And again, there's no one around, but the baby is alone. So I could strongly sense that there is some healing which is required for the womb. So basically I went for I started off with doing a healing for my mother and myself because she's not really keeping well, but eventually it ended up into being a womb regression because twice over I saw someone who is like aapka awaaz gaya Gloria suddenly. Ek second, aap unmute kijiye wapas. I did get a message that there was something which was stuck or which was required to be healed. So that part is done. And yes, after this, I'll continue my 21 days of healing as well. So that's there. The other part of me, I discovered that, apne bahut sare talks mein SKM mein bhi, we come and say that, you know, there's a soul calling and there's a purpose in our life. Mujhe abhi tak wo mila nahi hai mera. But I'm still exploring though. But in through the other PLR that I did for myself, I saw I was giving a lot. In different ways in back to the society or back to the environment around me that gave me a message that I can be of service to people. So wow. Phir se aapka awaaz chale gaya. Unmute kijiye. Ha. So I took a message out of there that you know I should do more service to people which I have not really been doing, or I could do better. If I'm doing it, maybe I'm doing it at my home level. I should do it more for people around me or back to the society. Yeah, so, इसीलिए Gloria ने फिर हमारा जो healing cases होते हैं वो भी लेने शुरू किए, वो भी unconditional healing देने शुरू किए. पहले 10 days healing देना शुरू किया और फिर जो 1 and 3 month healing होता है वो अब unconditionally वो service दे रही हैं. So, देखिए अगर हम सच में अपना कोई कंट्रीब्यूशन इस दुनिया में देना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी वेज टू गिव.
That's about it. Done. Thank you very Thank much, you, madam. Gloria. Thank you so आपने much. इतना ब्यूटीफुली शेयर किया और हम आपके दोनों बच्चों से मिलके बहुत सभी पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट खुश हो जाता था उनके बच्चों को मिलके. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैडम. ओके जी, गौरी जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. बहुत सारे पार्टिसिपेंट हमारे पास रिट्रीट पे बहुत स्ट्रगल करके आए थे तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना शेयर करें. यस गौरी जी, वी वेलकम यू. हेलो. हेलो, नमस्ते जी. सुन सकते हैं आप? हाँ सुने, सुन सकते हैं. ठीक है, ओके. थैंक यू. आई एम गौरी, मैं गोवा से हूँ. एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट रिट्रीट है. मैं 2 साल से जुड़ी हूँ. एक्चुअली मैं फर्स्ट मेरी फ्रेंड दीपा उससे हेल्प से मतलब मैं जुड़ी हूँ सर से. सो शुरुआत में एक्चुअली मेरे माइंड में बहुत मैं डिप्रेस रहती थी. मेरे माइंड में बहुत से क्वेश्चंस थे. सो जब मैंने वीडियो देखना शुरू किया और मुझे लगा, मैंने सुना कि मतलब यहाँ पे PLR वगैरह होते हैं, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होते. सो मुझे लगा मेरे जो क्वेश्चंस है, मुझे मुझे लगता था मुझे यहाँ पे आंसर मिलेंगे मुझे. सो मैंने कॉल कर दिया सर को और फर्स्ट ही बोल दिया कि मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है डायरेक्टली. सो सर ने मुझे मेहुल जी का फोन दिया. बाद में मैं आपसे पहली बार बात की, मैंने आपको याद हो तो. सो मैंने डायरेक्टली कहा मैंने मुझे PLR करना है, पर आपने मुझे ग्रुप में ज्वाइन करा दिया और मैं इवनिंग सेशंस अटेंड करने लगी. सो थोड़े दिन में जो मेरे क्वेश्चंस थे वो अपने आप मुझे वहां पे आंसर्स मिलने लगे. सो जो मेरे माइंड में जो चल रहा था सब कुछ, वो धीरे धीरे मैं काम डाउन हुई और मुझे लगा मतलब ठीक है, अब मैं थोड़ी शांत हूँ, मुझे अपने आप क्वेश्चंस मिलने लगे. बाद में मतलब मैं पहले एक 4-5 साल पहले साई बाबा की सीरियल देखती थी, तभी वो जब वहाँ ऐसा होता था कि मेरे जो क्वेश्चंस थे, मैं डिप्रेस रहती थी तो सीरियल देखने पर मुझे वही मेरे जो क्वेश्चन वही आंसर्स मुझे मिलते थे वहाँ पे साई बाबा के सीरियल में. तो मुझे बाद में जब मैं वीडियो देखने लगी सर के, उदय सर के, तो सेम थिंग होने लगा. मुझे लगने लगा कि ये वीडियो मेरे लिए ही बनाया है. और कभी कभी इन दिनों तो एक साल से मुझे लगने लगा इवनिंग सेशन में जो भी आप टॉक देते थे, जो भी होता था, सब जैसे मेरे माइंड में सब चल रहा था, मुझे एक एक क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा था. ऐसा लगता था मेरा माइंड, मेरे सोल, मेरा मतलब आप लोगों से जुड़ रहा है और मेरे जो क्वेश्चंस है वो मुझे वहां पे मिल रहे हैं. सो एक साल अभी मैं रिट्रीट को आने को बहुत ट्राई कर रही थी, पर मेरी बेटी की वजह से, स्कूल के शेड्यूल की वजह से मैं आ नहीं पा रही थी. पर इस बार मैं कैसे भी करके मतलब माँ के घर वो दिन में रहती थी, मतलब स्कूल के बाद बहन के घर रात को, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करके मैं कैसे भी इस साल अभी पहली बार मैं आई हूँ. मेरे विश था कि मैं शिरडी में मेरा मेरा पहला रिट्रीट हो. सो मेरी विश कंप्लीट हो गई. और सर के बारे में बोलू तो मतलब सर मुझे मतलब मेडिटेशन वगैरह में जाना था, पर मुझे गुरु मतलब जो एक्चुअली सॉरी मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती, पर मुझे लगता मतलब मैं देखती थी मतलब कोई कोई मेडिटेशन ये हो, पर मुझे मैं किसी से जुड़ नहीं पाती थी. मुझे मतलब जब सर के वीडियोस वगैरह देखने लगे तो लगा हाँ कि ये गुरु है जो मेरे लिए है सर, मुझे लगने लगा. सो मैं जुड़ गई हूँ. अभी मेरा पहला रिट्रीट है. सो अभी एक रिट्रीट के बाद अभी सोचती हूँ फिर से मुझे अभी दूसरे में जाना है. तो मैं इवनिंग सेशन अटेंड करने ट्राई करती हूँ. सुबह 3 बजे कभी होता है तो मैं सुबह करोना रेकी साइकिक सर्जरी की प्रैक्टिस चालू रहती हूँ. और मुझ में अभी मतलब पहले से बहुत फर्क पड़ा है. मतलब सोल लेवल पे मुझे बहुत एक्सपीरियंस आया है जो मुझे लगता है बाकी काम मुझे मिलने वाला नहीं था, पर भी मुझे मुझ पे खुद पे बहुत वर्कआउट करना है. तो अभी चालू है, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ.
थैंक यू सो मच गौरी जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि आप घर से अपनी बेटी को छोड़ के बहुत स्ट्रगल करके निकले हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके एग्जाम टाइम चल रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड। और जब से गौरी जी जुड़े तो मुझसे भी कांटेक्ट में थे, सचिन जी से भी कांटेक्ट में थे, तो और उन्होंने अपनी डॉटर की भी कॉन्टिन्यूस हीलिंग उनके चलते रहती थी। तभी भी जब भी हम इतना अपने अपनों के बारे में हमें लगता है कि वो अच्छा करे, तो कई बार हम इस वजह से भी नहीं आ पाते, कहीं हम जाएंगे तो उनकी पढ़ाई नहीं छूट जाए, उनका खाना नहीं छूट जाए, लेकिन जो निकल पाते हैं उनके अपने भी, फिर उनका भी ग्रोथ अलग ही लेवल पर एक्सपोनेंशियली रेज हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, आपने हम थैंक सबको यू, शिरडी में ज्वाइन किया और एसकेएम सोल फैमिली को बढ़ाया। अभी थैंक यू। मैं हम अंजू मैडम को थैंक यू कहना चाहूंगी, जी वो हमारे मेंटर थी, मतलब बहुत अच्छे हाँ से जी सिखाया। आप हाँ लोग भी सब बहुत अच्छे थे, जहाँ पे रहते थे सब लोग मिलजुल के रहते थे, मतलब एक फैमिली की जैसे सब सोल्स, जो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है उनसे मिलके, ऐसा लगा। और मैं विश करती हूँ डॉक्टर उदेशा की ब्लेसिंग्स मुझ पे हमेशा रहे और आप जी सबकी। थैंक यू जरूर। वेरी मच। और गौरी जी के बिहाफ पे अंजू मैम, इफ यू आर अवेलेबल इन दिस सेशन, और इवन इफ यू हाँ आर नॉट, वी एक्चुअली थैंक मुझे यू। उन्होंने अभी कॉल किया, एक्चुअली अच्छा पर्सनली ओके ओके पर्सनली मुझे कॉल किया, कहने लगी ज्वाइन करो मुझे। एक्चुअली टाइम मुझे अभी, बेटी मेरी ट्यूशन को गई तो मैं उसको जी लाने जी जी के गड़बड़ी में थी, तो मैं अभी अच्छा ज्वाइन चलिए, कर दिया। ओके थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच, थैंक यू थैंक यू। नैया जी, इफ यू आर अवेलेबल इन द सेशन, कैन वी अनम्यूट यू? आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, आप मैसेज कर सकते हैं हमें। मेरे हाँ जी, मेरे ये जी, यस वी कैन हियर यू, लेट मी स्पॉटलाइट। मेरे जी नया जी, मेरे यस, अभी लोगों आपको हम देख पा रहे हैं, को बट थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है शायद आपके यहाँ से, तो कनेक्शन थोड़ा पुअर दिखा रहा है, आवाज कट रही है आपकी। ओके नाउ ओके नाउ यू कैन हियर मी हाँ, चाहे तो आप वीडियो अभी। ऑफ करके देख, हाँ अभी बेटर है। हाँ ओ, पीछे से कॉल आ रहा था इसीलिए। अच्छा अच्छा ठीक है नाउ वी कैन हियर यू। यस यस, तो ये मेरा पहला रिट्रीट है, और जब फर्स्ट डे मुझे इंट्रोडक्शन में पूछा था कि हाउ लाइक व्हाट डू यू फील और टेल मी अबाउट समथिंग, सो नाउ आई हैव वर्ड्स टू टेल। ओके इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस, एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा होगा। एंड सेम लाइक गौरी जी कि मेरा सन भी 12th में है एंड आई वाज हाइपर टेंशन लाइक दैट, हाँ सबको पता है रिट्रीट में वो चीज, एंड दे ऑल आर प्रेइंग हाँ फॉर हिज एग्जाम्स। बट मुझे ना आई थैंक्स टू अंजू जी कि उन्होंने मुझे बोला था आप यहाँ पे आओ और टेंशन निकल जाएंगे, एंड ही लाइक हिज टू एग्जाम्स डन अभी, प्रैक्टिकल सारे उसके दो हुए हैं और वेरी वेल वेंट। सो आई वाह थैंक्स टू या गाइडेंस फॉर द गाइडेंस अंजू जी, वो हमारे टीचर भी थे रिट्रीट में, और यस थैंक्स टू सर ऑल्सो, उन्होंने भी बोला था कि आप टेंशन मत करो सब ठीक होगा। सो आई फील कि बाकी की सारी भी एग्जाम्स उसकी अच्छी रहेगी। और रिट्रीट का जी एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि यार मैं अकेली ऐसे हूँ, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, और यू नो मैंने आपके एक या दो इवनिंग सेशन अटेंड किए थे, जी तो आई फील कि यार क्या मीन्स कैसा होगा वहां पे, यू नो लाइक व्हाट व्हाट काइंड ऑफ पीपल एंड क्या मीन्स करेंगे वहां जाके। बट अभी ऐसा लगता है कि वी ऑल लाइक वन फैमिली, हाँ किसी से जी भी तो ऐसा लगे ही नहीं कि आप उनसे पहली बार मिल रहे हो। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और सारे घर जैसे फ्रेंड्स हो गए। यानी अभी ऐसे बोल सकते कि गोवा में जाए तो कोई है, भोपाल में जाए तो कोई है, मुंबई में जाए तो बहुत सारे हैं, हर सिटी में कोई ना कोई है, हाँ ऐसी चीज हो गई है। सो पूरा एक फैमिली हो गया, एंड
सर की बात करें तो वेरी डाउन टू अर्थ. अभी तक मैंने जितने भी लोगों को देखा है एज अ हीलर्स जो है, बट सर जैसा कोई नहीं है. फर्स्ट टाइम वेरी डाउन टू अर्थ कहीं पे भी, यानी हम लोगों ने सबने साथ में बर्थडे सेलिब्रेशन किया वो बच्चे का, और फोटोग्राफ्स भी किए, सारी चीजें की. सो द वे ही इज बिहेविंग, सर की बात कर रही हूँ, सो कभी ऐसा लगता नहीं है कि ही फील मेक अस फील ही इज अ हीलर और वो सर है, यू नो, वेरी डाउन टू अर्थ. तो बड़ा मजा आया रिट्रीट के अंदर. और अंजू मैम ने बहुत अच्छा हमको जो 5 एलिमेंट्स, उन्हें की राइट्स, देन ये साइकिक सर्जरी, सारी चीजें जो सिखाई एकदम थोरली डिटेल में, शी सेड मैं जितना दे सकती हूँ मैं आपको दे रही हूँ, जितना दे सकती हूँ आपको दे रही हूँ. तो एंड वेरी एनर्जेटिक, वेरी एनर्जेटिक. तो बहुत मजा आया. एंड this morning I miss all these things. सुबह से definitely looking forward to next retreat. और मेरा womb regression हुआ था. wow, बहुत बढ़िया experience था उसमें भी. जसप्रीत मैम ने किया था वो. और जैसे मुझे सारी चीजें feel हो रही थी, and then in the middle मेरी body एकदम heat पकड़ लिया body ने. या सो ठंडी में भी मुझे गर्मी लगने लगी ऐसी. और फिर मुझे ना फॉर द सेकंड मुझे एक चंदन की या सुखड़ की फ्रेग्रेंस आई ड्यूरिंग दैट थिंग. या आई कुडंट अंडरस्टैंड. मैंने जसप्रीत मैम को बोला था ये चीज कि ये दोनों एक्सपीरियंस मुझे हुए. एंड आई वाज लिटिल बिट क्राइंग आल्सो एट दैट टाइम, बट देन आई वाज नॉर्मल आफ्टर दैट. बट उसके बाद आई फील जैसे हैवीनेस जितनी भी थी ना बॉडी में वो सारी चली गई. फील वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम से या फ्री हो गया. वैसे जैसे हवा में हो ना वैसा. तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. वाओ ब्यूटीफुल. आपको मुनिकी राइड के दौरान कुछ फील हुआ जब भी आपको अटूनमेंट दिया अंजू जी ने? मुनिकी राइड में जो अटूनमेंट दिया ना उसमें जैसे ऊपर से कुछ आ रहा है जैसे वो कर रहे थे ना, तो वी फील जैसे कुछ है, कुछ आ रहा है, वी फीलिंग दैट एनर्जी. वो एक ऐसा फील हुआ था उसमें. एंड जब हम लोगों का मास हीलिंग हुआ ना, तो मास हीलिंग में भी ये एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मैं कहीं पे हूँ कोई एक जगह पे, दिखता नहीं था मुझे, सेंस हो रही थी. एंड देन आई एम बहुत सारे लोग हैं और मैं बोल रही हूँ वहां पर, आई एम स्पीकिंग ओवर देयर लाइक दैट. और मैम ने मुझे वही चीज बोला कि मुझे भी वही देखा जब मैं तुम्हारा हीलिंग कर रही थी ना मास हीलिंग में. लाइक या तो अभी देखे आगे क्या रहता है. बट या दैट इंटेंशन इज ऑलवेज देयर के डेफिनेटली अगर आई विल बी गुड हीलर तो जो भी मेरे पास है तो मैं वो सबको दूंगी. और अभी भी जैसे मैं बेटे के लिए प्रे करती हूँ तो सब स्टूडेंट के लिए आज साथ में प्रे किया है कि जितनों की भी एग्जाम है सबकी अच्छी जाए. ब्यूटीफुल. ये देखिए ये सबसे अच्छी बात है, सर ने हमें जितने पॉइंट्स दिए थे इस बार, जो बेसिक ग्रुप का टॉक लिया, जो एडवांस ग्रुप के भी सबके साथ में टॉक हुआ, उसमें ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो नैया जी को याद रही और उन्होंने अप्लाई किया. कई बार हम सुनते तो बहुत कुछ है बट वो अच्छी बातें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में छूट जाती है. सर ने बोला कि हम ये कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड दे सकते हैं कि किसी दिन हम सब पेशेंट्स को हील करें, किसी दिन हम जो सारे इमरजेंसी रूम में लोग पैनिक करते हैं, किसी का अपना कोई पहुंच जाता है उनको हील करें, किसी दिन कोई ऐसे डिलीवरिंग मदर्स को जो अभी अभी न्यूबॉर्न को जन्म देने वाली है उनको हील करें. तो कितना तरीके हैं कंट्रीब्यूशन देने के लिए. कभी सोल्जर्स को हील करें जो वहां पे कभी ठंड में कहीं पर बैठे हैं जिनको और कोई जरिया ही नहीं है. तो आप सोच के देखिए अपना कोई उस प्लेस पे हो तो हमें कैसे लगेगा वो मदद करने की, चलो हम यहाँ बैठ के कुछ तो कर सकते हैं. तो आपने अप्लाई किया, आपको याद रहा और आपने हमें भी वापस याद दिलाया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच नैया जी. थैंक यू सो मच मैम. एक्चुअली देखने का क्या है, तरीका ही चेंज हो गया कि जो छोटी छोटी चीजों के लिए हम घर वालों से भी लड़ते थे या अपसेट हो जाते थे या बाहर कहीं पे, तो वो पूरा देखने का तरीका ही चेंज हो गया. आई फील दैट थिंग वो हो रहा है. मैं ये देखिए ये बुद्धा वाली बात आ गई है कि दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, और सर ने हमें वो बहुत अच्छे से इस बार सिखाया है और सब हम अप्लाई करने में लगे हैं.
Thank you very much. Yes, yes. Thank you. See how beautiful these experiences were. और सब चीज आपके अंदर गई होंगी. फिर भी just for 3-4 minutes हम आंखें बंद करेंगे, इसलिए कि जो सब हमने सुना है उसको सिर्फ अप्लाई कर पाए, या कुछ ऐसा है जो अभी तक हमने नहीं सुना है, वो हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस के थ्रू हमारे अंदर उतर जाए. जस्ट फॉर 2 मिनट्स क्लोज योर आईज. हम सब चीजें अंदर लेंगे, फिर से इस हॉटस्पॉट कॉन्शियसनेस के थ्रू परमात्मा से कनेक्शन बनाएं. कनेक्शन ऑलरेडी है, जस्ट एक्नॉलेज करें, रिलैक्स करें. फोकस करें ब्रेथ पर. इंटेंशन डालें कि जितना भी कंपैशन, कि जितना भी विजडम परमात्मा ने हमें हमारे गुरु के जरिए हमें दिया है, अब उसका कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी वेरी अनकंडीशनली कर पाए, कर रहे हैं, चाहे जब जहां पे हैं. ये सिंबल्स हर पल हम में से सबके लिए बहते जा रहे हैं. बस एक इंटेंशन एंड द वर्क इज डन. हम धीरे धीरे स्मार्ट वर्क, नो वर्क जोन में आ गए हैं, डिवाइन वर्क जोन में. परमात्मा का हॉटस्पॉट हमें प्राप्त हो गया है हमेशा के लिए, या तो एज अ मोबाइल और एज अ सैटेलाइट. और परमात्मा से हम ले रहे हैं और अब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. We are the clear and the perfect channel. Send love and gratitude to the whole universe. इस पूरी सृष्टि में उन्होंने हमको चुना, अपना चैनल बनने देने के लिए. Thank you, thank you, thank you, and I love. एक दिल से भाव भेजी. और परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को एक लव का रिश्ता रखें, एक दोस्ती का. हमारी सांसें ही डिवाइन है हम में. एक लंबी गहरी सांस और नाभि से सब कनेक्टेड सोल्स के साथ कट करते हुए धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लाते हुए फिजिकल बॉडी पर लाएं.
So thank you so much, all my fellow seekers, my friends, for making